सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक डेली काउंसलिंग के बारे में और स्पॉट राउंड के बारे में। तो अगर आप लोगों को अभी तक जैक डेली के किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, तो आप लोगों के लिए स्पॉट राउंड बहुत जल्दी आने वाला है। अब स्पॉट राउंड में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है जैक डेली में, वो लोग रजिस्टर कर लें। आज लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी आज रात 12 बजे के बाद। तो आप लोग प्लीज अपना जैक डेली में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है। इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा जैक डेली में रजिस्टर करने के लिए या फिर स्पॉट राउंड तक जाने के लिए। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग गलत फिल कर दी है या आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो अभी भी पोर्टल आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक कॉलेज को ऊपर डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने अभी जिस ब्रांच में जाना है उससे अच्छी ब्रांच मेरे को कोई और लग रही है, किसी और कॉलेज में लग रही है, तो आप उसको भी आज रात तक अपनी चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको फीस के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको उसको ऐसा ही छोड़ देना है। रात 12 बजे के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। वो सिर्फ आपसे परमिशन मांगेगा कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस पर यस क्लिक कर देना है। बाकी अब की बार जो डाटा दिख रहा है, जिस तरीके से काउंसलिंग चल रही है, पिछले 2 राउंड जिस तरीके से हुए हैं, पिछले साल से काफी सिमिलर हैं चीजें। कुछ ब्रांचेस में कुछ रैंक्स कम भी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर ब्रांचेस में आपको ज्यादा रैंक पर भी वो वाली ब्रांच देखने को मिल रही है। तो आप लोगों के लिए एक ही अच्छी चीज भी है, क्योंकि DTU तो वैसे पर्टिकुलरली काफी हाई कट ऑफ मांग रहा है, अब की बारी लास्ट ईयर से काफी ज्यादा जा रहा है, बट NSIT में काफी अच्छी अच्छी ब्रांचेस पिछली बार से थोड़ी ज्यादा रैंक पर भी इस बार ऑफर हो रही है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको सीट मिल गई थी लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करी है, तो आप लोगों के लिए आज मौका है। अगर आप लोगों ने वैसे तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, आप लोग इस टाइम काउंसलिंग से आउट हो चुके हो, बट अगर आप लोगों के लिए आज वो पोर्टल दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करता है, तो आप अपना फॉर्म वहां पर भर दीजिए, एप्लीकेशन दोबारा भर दीजिए। अगर आप उसमें भर पा रहे हैं, इट मींस कि अभी आप जैक में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना आप लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस बार। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है लेकिन अब आप किसी और कॉलेज में या किसी और ब्रांच में जाना चाहते हैं, या आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है, या आपको किसी NIT, IIIT जैसे कॉलेज में जोसा की काउंसलिंग में सीट मिल गई है, तो ये जो आपने यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस दी थी, इसको किस तरीके से विड्रॉ करना है। 25 जुलाई तक आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसे को। 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा, आप लोगों के अकाउंट में वो पेमेंट वापस आ जाएगी पूरी 95,000 रुपीज। कुछ टैक्सेस वगैरह अगर कटते होंगे तो कटने के बाद जो भी अमाउंट होगा वो आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में, जिन बच्चों को अभी तक कोई सीट नहीं मिली और वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग स्पॉट राउंड में अप्लाई करेंगे सीधा। तो स्पॉट राउंड के लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूँ। आज आप लोग दोबारा लास्ट में कह रहा हूँ, लास्ट मौका है, आप लोग रजिस्टर कर दीजिए। इसके बाद आप जैक डेली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दी है, तो स्पॉट राउंड में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, स्पॉट राउंड बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है, उसके लिए कुछ भी अज्यूम करना या कुछ भी पहले से बताना सही नहीं होता। आपको कोई भी यूट्यूबर या कहीं से भी आपको सुनी सुनाई बातें आ रही हैं कि अब की बार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी रैंक है तो ऐसे कर लो, उतना है तो वैसे कर लो, तो मेक श्योर कि जो भी ब्रोशर आएगा जैक डेली का, आप पर्सनली उसको खुद रीड करो, समझो खुद, किसी भी यूट्यूबर या किसी के ऊपर विश्वास ना करो डायरेक्ट, उसको खुद पढ़कर खुद समझकर उसके बाद आपको एक्शन लेना है। आप में से बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था कि आपको DD समझ नहीं आ रहा था, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, तो डिमांड ड्राफ्ट जब आप लोग स्पॉट राउंड के लिए आएंगे तो आपको लेके आना है 95,000 रुपीज का। अब वो कैसे लेना है, आप लोगों को अपने बैंक में जाना है, बैंक में जाके बोलना है मुझे कॉलेज के लिए एडमिशन लेना है, उसके लिए 95,000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट दे दो, तो आपसे 95,000 रुपीज प्लस कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं वो लेंगे, और आपको 95,000 रुपीज का एक चेक जैसा पेपर होता है वो आपको दे देंगे। आपको वो लाकर कॉलेज में सबमिट कराना है, और उसके बाद आपकी सीट पक्की हो जाएगी अगर मिली तो। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि स्पॉट राउंड बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, तो स्पॉट राउंड के लिए आप लोग किसी और कॉलेज को भी अपनी नजर में रखिए। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप लोग IPU को प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं। IPU, DTU, NSIT, IIIT, जैक के कॉलेज के बाद IPU काफी अच्छी रेपुटेशन रखता है। कुछ IPU के कॉलेजेस काफी अच्छा पैकेज भी ऑफर करते हैं, और काफी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज भी वहां पर आती हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि इस बार स्पॉट राउंड में किस तरीके के स्टैट्स देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर के जिस तरीके से स्टैट्स गए थे, जिस रैंक पे जो ब्रांच मिली थी, अब की बार 5-10 हजार ऊपर भी अगर आपकी रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे IPU में, कुछ बच्चे जोसा में जा रहे हैं, तो वो वाली सीट यहाँ पर वेकेंट रह जाएंगी। काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगा कि अगर वो लोग सीट एक्सेप्टेंस फीस दे देंगे तो उनकी वही ब्रांच लॉक हो जाएगी, वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उस गलती की वजह से भी काफी सारे बच्चे आउट हो गए हैं काउंसलिंग से, तो उनकी जो वेकेंट सीट्स हैं वो आप लोगों को मिलने के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो आप लोग स्पॉट राउंड में जरूर अप्लाई करिएगा,
स्पॉट राउंड अब की बारी पिछली बार से ज्यादा रैंक पर 100% आप लोगों को सीट दिलाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हम लोग अब 2000 सब्सक्राइबर्स होने पर एक फ्री लाइव सेशन रखेंगे आप लोगों के लिए। काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के, इंस्टाग्राम पे भी मैं डेली देख रहा हूँ, सबके रिप्लाई नहीं कर पा रहा, कमेंट सेक्शन भी अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा मैं। तो हम लोग एक ओपन लाइव सेशन रखेंगे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद, और 2-3 सेशंस लगातार रखते जाएंगे सो दैट आप सारे बच्चों को मैं पर्सनली एड्रेस कर सकूं, पर्सनली गाइड कर सकूं। क्योंकि अभी मेरे को बड़ा दुख लग रहा है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा, काफी लेट रिप्लाई कर रहा हूं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज हो तो आप लोग कमेंट करिए और एक दूसरे का रिप्लाई करिए अगर आप लोगों को पता है तो। बाकी हम लोग लाइव सेशन में सारी चीजों को एड्रेस करेंगे अच्छे से। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।